नमस्कार आप सभी का स्वागत हमारे इस एजुकेशन के चैनल पर और मैं संपत आप सभी के लिए इस वीडियो के अंदर तीन नई अपडेट लेके हाजिर हो चुका हूं जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं कल आने वाली 830 पदों की नई भर्ती के बारे में इसके अलावा महिला सुपरवाइजर भर्ती को लेकर के अपडेट आई है और सरकारी स्कूलों के अंतर्गत अब जो है बहुत जल्द एक नई कोच भर्ती भी आपको देखने को मिलने वाली है तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर आपके अलोक राज्य के द्वारा पंचायती राज के दो पदों को भी नोटिफिकेशन में शामिल करने का प्रयास करेंगे इसमें सिविल और एग्रीकल्चर का एक कंबाइंड पेपर बनेगा इसलिए इस परीक्षा की तिथि में कुछ महीने लगेंगे यानी दो ये परीक्षा बाद में होगी बाकी जेएन परीक्षा जो दीवी तिथि है उसी के आधार पर होगी ठीक है और कल यहाँ पर बताया जा रहा है कि जेईएन के आठ पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो सकता है इसके अंदर कौन कौन से पद होंगे उनके देख लीजिए यहाँ पर पच्चीस नवंबर को जे एन भर्ती का नोटिफिकेशन जारी करने का प्लान है यह भर्ती में छह विभागों में यहाँ पर जो है करवाई जाएगी इसमें सार्वजनिक निर्माण विभाग में तिहत्तर पद है जल संसाधन विभाग में दो है जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी के दो सौ सत्रह है स्वास्थ्य शासन स्वास्थ्य शासन विभाग के अंतर्गत आपके स्वायत्त शासन विभाग के अंतर्गत बहत्तर पद है राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अंदर अट्ठाईस है और पंचायती राज विभाग में जेएन के एक सौ पिचासी पदों पर यहाँ पर यह वैकेंसी का मौका आपको देखने को मिलेगा कल इसके बाद देखिए वुमन सुपरवाइजर महिला सुपरवाइजर यानी अधिकारिता विभाग एग्जाम रिजल्ट 28 नवंबर से जो है यहाँ पर आपके 10 दिसंबर के बीच में करवाए जाने का प्लान इनके द्वारा बताया जा रहा है इसके बाद देखिए यहाँ पर आपके फिजिकल एजुकेशन की व्याख्याता के साथ साथ खेल कोचों की भी भर्ती अब शुरू की जाएगी सरकारी स्कूलों में खिलाड़ियों की तैयारी के लिए हो गया अब नए कोच की भर्ती इन खेलों की मांग भी जो है इनके लिए उठाई जा रही है तो दो दो पदों पर भर्ती निकाली जानी यहाँ पर जो है अधिशेष बताई जा रही है इसके अलावा भी यहाँ पर जो ये 200 सौ यहाँ पर ये जो पदों का यहाँ पर आंकड़ा बताया जा रहा है आपने अगर देखा होगा तो पूरा कंप्लीट आंकड़ा बताया था लगभग बारह हजार के आसपास पदों पर जिसमें बताया जा रहा है कि जो भी अन्य जो भी यहाँ पर तकनीकी और अन्य जो कर्मचारी है उनके भी पद यहाँ पर खाली है और उसके ऊपर भी जो है सरकार अपना जो है प्लान बना रही है ठीक है इसके अलावा जिन साथियों का अनुदेशक भर्ती को लेकर यहां पर जो है कमेंट मिल रहा है बार बार उन सभी से अभी के लिए मैं यहाँ पर यह कहूंगा कि भर्ती का जो प्रोसेस है वो होल्ड नहीं है आपकी भर्ती का प्रोसेस चल रहा है और जहां तक मेरी उम्मीद है ये भर्ती आपको समय रहते देखने को मिल जाएगी एग्जाम का अभी नहीं कह सकते हैं कि एग्जाम की तिथि का रह सकती है लेकिन जहाँ तक संस्कृत विभाग की बात करें तो उसके लिए आपका एग्जाम जो है समय पर होने के आसार बन रहे हैं ध्यान रखिएगा उसकी तैयारी के लिए आप जरूर लगे बाकी आई टी वालों के लिए इस साल का मतलब इस महीने का मैं जरूर एक प्रॉमिस कर सकता हूँ कि इसी महीने आपके लिए एक बहुत ही शानदार राजस्थान के अंदर जो है दो विभागों के अलग अलग भर्तियां देखने को मिलेगी ठीक है उसको थोड़े दिनों बाद में रिवील करने वाला हूँ लेकिन इसी माह के अंतर्गत आपको दो आई विभाग की भर्तियां राजस्थान के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगी अगर आपको उनकी अपडेट प्राप्त करनी है समय रहते तो आप इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को आगे जरूर शेयर कर दीजिएगा धन्यवाद